नमस्कार मित्रों, मैं विवेक ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य की बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम्स पे आक्रमण कर देता है तो किस प्रकार अंग्रेज उसका प्रत्युत्तर देते हैं और बाद में सिराज को अलीनगर की संधि करने पर बाध्य करते हैं। एक्चुअली होना ये था कि 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु होती है तो कंपनी को ये आइडिया नहीं था कि अब इतना मजबूत फिर से एक नवाब बैठ रहा गद्दी, क्योंकि सिराज की उम्र कम थी और कंपनी ये मानती थी कि अब ये हमारी कठपुतली नवाब की तरह काम करेगा। लेकिन सिराज के इस तरह के रुख को देखते हुए कंपनी सतर्क हो गई और पहले तो अलीनगर की संधि करती है कंपनी, और उसके बाद अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला को अपनी अनेक शर्तें मानने पर बात करता है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश षड्यंत्र शुरू हो जाता है सिराज को हटाने के लिए, क्योंकि याद रखिएगा हर युग में और हर कहानी में एक षड्यंत्रकारी होता ही होता है, और ये बंगाल वाले केस में और सिराज के खिलाफ जो षड्यंत्रों की कहानी वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अलीनगर की संधि ने एक बात और तय कर दी थी जिसका जिक्र नवाब सुजाउद्दौला 1733 में कर आया था। ये वक्तव्य एनसीईआरटी में दे रखा है, 8th क्लास में हमारे अतीत जो पुस्तक है उसमें दे रखा है। 1733 नवाब इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहता है, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वो जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1,00,000 रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। यानी कि ये जो बात सुजाउद्दौला 1733 में लिख रहा है, अब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बंगाल में और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिख रही है। यानी कि अलीनगर की संधि होती है लेकिन जो अब अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र जो षड्यंत्र वाला था अब शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ तो अलीनगर की संधि कराए, दूसरी तरफ अंग्रेज नवाब के पुराने दुश्मनों के साथ बातचीत कर रहे थे। अंग्रेजों को यह भी पता था कि सिराजुद्दौला को हटाए बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वो युद्ध की भी तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली अंग्रेजों को मालूम था कि सिराज के ढेर सारे दुश्मन हैं, क्योंकि सिराज जो था ना वो अली वर्दी खां का सीधा वारिस नहीं था, क्योंकि वो अली वर्दी खां का पुत्र नहीं था, वो उसका नाती था और अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का बेटा था। इसलिए उसके कुछ शत्रु स्वभावता बन गए, जैसे कि उसकी एक बहुत बड़ी शत्रु थी मौसी, उसकी मौसी घसीटी बेगम, और उसका दीवान राजवल्लभ जो मौसी का दीवान था। याद रखिएगा स्पेक्ट्रम जैसी पुस्तकों में चाची भी दे रखा है, ठीक है, तो लेकिन स्पष्ट है वो मौसी थी, कोई ज्यादातर जो मैंने सोर्सेस देखे वहां मौसी है और मौसी ही है, क्योंकि बात यही है ना कि वो नाती था तो मौसी नाराज है। तो मौसी घसीटी बेगम हो गए, राजवल्लभ हो गए, साथ ही अमीरचंद और जगत सेठ। अमीरचंद कौन था? शौकतगंज जो मौसी घसीटी बेगम का पुत्र था उसका दीवान था, और जगत सेठ शौकतगंज का मित्र था। तो ये सारे दुश्मन इनके पहले से ही थे, और इन्हीं सब परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और इन सबको अपने पक्ष में कर लिया। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, अमीर चंद, जगत सेठ और एक मानिक चंद करके एक और व्यक्ति था, इन सबके साथ मिलकर अंग्रेजों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने क्या किया कि सिराज का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसके साथ भी अंग्रेज बातचीत कर रहे थे कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हो जाए। यानी कि अंग्रेज षड्यंत्रकारियों के पूरे ग्रुप के साथ संपर्क में थे, चाहे मीर जाफर हो, चाहे मानिक चंद हो, चाहे अमीर चंद हो, चाहे जगत सेठ हो, और ये सारे लोग सिराज के अपने ही आदमी थे। एक तरह से सिराज को पता नहीं था कि वो वास्तव में सांप पाल रहा है इन लोगों के रूप में। उसी समय एक घटना मार्च में ही होती है कि अंग्रेज चंदनगर पे आक्रमण कर देते हैं। याद रखिए कि फ्रांसीसियों से इनका टकराव चल रहा है, लेकिन अलीनगर की संधि में बात थी कि चंदनगर या किसी भी फ्रांसीसी बस्ती पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज ऐसा कर देते हैं। तो समझिएगा, फरवरी में अलीनगर की संधि होती है, मार्च में ही आक्रमण कर देते हैं, जो कि अलीनगर की संधि का एक तरह से उल्लंघन था। ध्यान से इस घटनाक्रम को समझ लें, क्योंकि स्पेक्ट्रम जैसी पुस्तकों में भी ये कालक्रम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जब चंद्रनगर पे आक्रमण कर देते हैं अंग्रेज, तो सिराज आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये अलीनगर की संधि का उसे सीधा सीधा उल्लंघन लगता है, और सिराज कहीं ना कहीं युद्ध का मन बना लेता है। और अंग्रेज तो पहले से युद्ध की इच्छा पाले ही हुए थे, तो लगभग युद्ध की स्थिति, युद्ध के लिए अब दोनों ही पक्ष अपने तैयार हो रहे थे। सिराज भी तैयार हो रहा था और अंग्रेज तो पहले से ही चाह रहे थे। तो अब युद्ध से पहले अंग्रेज अंदर ही अंदर षड्यंत्रकारियों से बातचीत कर रहे थे। जो बातचीत चल रही थी षड्यंत्रकारियों अंग्रेजों की तरफ से, उसमें से षड्यंत्रकारियों की तरफ से अमीर चंद और कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख जो वॉटसन था, वो अंग्रेजों की तरफ से मुख्य वार्ताकार थे। हालांकि षड्यंत्र की पूरी योजना क्लाइव की थी,
लेकिन ये लोग मुख्य वार्ताकार थे। षड्यंत्र में योजना ये बनी कि क्लाइव प्लासी तक जाएगा, वहां मीर जाफर नवाब को धोखा देगा, उसके बदले में उसे नवाब बना दिया जाएगा और कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार तथा 24 परगना की जमींदारी दे दी जाएगी। ये सब बातचीत चल ही रही थी, लेकिन अमीर चंद भी कम बदमाश नहीं था, वो तो बदमाशों का सहनशाह था, वो तो किसी को भी धोखा दे सकता था। तो अब अमीर चंद उल्टा ही अंग्रेजों को धमकाने लगा कि अब मुझे एक वादा करो कि जब नवाब मीर जाफर बन जाएगा तो मुझे नवाब के खजाने का आधा भाग मिल जाएगा। क्लाइव अचंभित हुआ कि भाई ये तो बड़ा ही बदमाश आदमी, लेकिन क्लाइव ने स्थिति को समझा और पकड़ा। यही देखिए, यही बुद्धिमता है अंग्रेजों की, उन्हें पता है कि किस व्यक्ति के सामने झुक जाना, किसकी बात मान लेनी थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो क्लाइव ने किया क्या अमीर चंद को हैंडल करने के लिए, इसने समझौते के दो प्रारूप बनाए। जो समझौता होना था षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच में, उसमें दो प्रारूप बनाए, एक व्हाइट पेपर में और एक रेड पेपर। जो रेड पेपर था वो नकली था और जिसमें अमीर चंद की जो मांगे थी वो लिखी हुई थी, और उस पे वॉटसन का हस्ताक्षर करा दिया नकली, तो सारा फर्जीत करा दिया। अमीर चंद को लगा हाँ मेरी बात मान ली गई, लेकिन सफेद वाले पर अमीर चंद की कोई बात नहीं मानी गई थी और वही वास्तव में था। हालांकि अमीर चंद को बाद में मारवा भी दिया अंग्रेजों ने, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की संरचना बनाई थी, यानी फॉर्जरी भी कर रही थी देखिए कंपनी यहां पर, है ना। इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में पहली अंग्रेज साम्राज्य कैसे बन रहा है, इसे समझिएगा कि धोखे की नींव है हर तरह से। और फिर ये सारी स्थितियां बनी रही थी, उसके साथ ही अंग्रेजों ने नवाब पे दोषारोपण कर दिया कि आप फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहे हैं, और प्लासी पर युद्ध की घोषणा हो जाती है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। देखिएगा यहां पर भी ध्यान दीजिए, पहले उल्लंघन अलीनगर की संधि का अंग्रेज ही कर रहे हैं, फ्रांसीसियों जो चंद्रनगर पे आक्रमण, लेकिन आरोप लगा दे रहे हैं कि नवाब ने ऐसा किया। तो कुल मिला के प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। युद्ध में वही हुआ जो मीर जाफर ने धोखा देना था, तो धोखा दिया, मुख्य सेनापति था तो उसने धोखा दे दिया। लेकिन हाँ, नवाब की ओर से मीर मदान मोहन लाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जीत संभव नहीं थी क्योंकि मुख्य सेनापति जब आपको धोखा दे दे रहा है। तो हुआ क्या, इस पूरे युद्ध में 500 बंगाली सैनिक मारे गए और अंग्रेजों के मात्र 23 सैनिक मारे गए। यानी कि देख रहे हैं कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है इन दोनों संख्याओं में। कहने का मतलब है कि छोटा मोटा युद्ध होकर बंगाल को हरा दिया गया, और इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला भागता है और मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है, फिर वहां अपनी पत्नी के साथ पटना की ओर भागता है। लेकिन मीर जाफर का पुत्र एक था मीरन, वो सिराजुद्दौला की रास्ते में ही हत्या कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है उसके ही लोगों द्वारा। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें कि नवाब अंग्रेजों से नहीं हारता है, अपने ही लोगों से हार जाता है। और ये एक तरह से अंग्रेजों की जो पहली जीत है भारत में, उसमें दिखता है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने षड्यंत्र का प्रयोग करके नवाब को न केवल हराया बल्कि मरवा भी दिया। अब चलिए हम इस युद्ध के परिणामों को समझ लेते हैं। वस्तुतः ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वो युद्ध था जिसमें पहली बार अंग्रेज किसी भारतीय राजाओं या नवाब को हराकर सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, और इस तरह से अंग्रेजों की सत्ता लगभग स्थापित होती दिखती है भारत में। मिल्सन जैसा एक हिस्टोरियन है, वो लिखता है कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। कुल मिलाकर इसे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव माना जा सकता था प्लासी के युद्ध को। तो इसका जो पहला परिणाम हुआ वो यही हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कुछ अधिकार दिए गए। अधिकार क्या, वो बर्दमान और नदिया जैसे कुछ क्षेत्र मिल गए थे। साथ ही 24 परगना की जमींदारी का भी अधिकार मिल गया। एक चीज और, मीर जाफर से 2 करोड़ रुपए भी कंपनी ने वसूल किए, क्योंकि भाई युद्ध हुआ है तो युद्ध का खर्चा तो बंगाल का नवाब को ही उठाना पड़ेगा ना, और बंगाल का नवाब भी कैसा, जिसे खुद कंपनी ने बैठाया है तो भाई उसे देना भी पड़ेगा। और अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण फायदा होता है कंपनी को, कि एक तो युद्ध के लिए ब्रिटेन को एक पोस्ट मिल जाती है, साथ ही बंगाल की विजय से जो इन्हें धन मिलना शुरू होता है, वो बाद में जो अंग्रेज और युद्ध लड़ते हैं कर्नाटक हैदराबाद जो रीजन में जो फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष चल रहा था, वहां के लिए भी पर्याप्त धन अंग्रेजों को मिलने लगता है। हम देखते हैं कि ये सारे परिणाम होते हैं प्लासी के युद्ध के बाद। और इस तरह हमने इस लेक्चर में प्लासी के युद्ध और उसके परिणामों को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बक्सर का युद्ध समझेंगे और उसके परिणाम, जो कि इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन के रूप में परिलक्षित हुई थी, उसको हम समझेंगे। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्ञान की धारा रुकने ना पाए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद।